देखिए, जो बुनियादी समस्या है देश की, आज गरीब को 80 करोड़ लोगों को इन्हें राशन देना पड़ रहा है। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो देश के लोग और खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राशन दे रही हो, उनका जीवन स्तर कब बेहतर होगा? उनके जो सपने वो कब पूरे होंगे? उनके सपने पूरे होने के लिए क्या पढ़ाई का इंतजाम अच्छा हो गया है? क्या उनके पढ़े लिखे बच्चों के नौकरी रोजगार के अवसर मिल रहे हैं उनको? क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? ये बुनियादी जो चीजें हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, मेडिकल सर्विसेज बेहतर हो, मैं इस सदन में सुन रहा था बीजेपी की सरकार ही ये कहती है कि दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं। इस बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के तो आबादी भी तो आपकी है जिसकी वजह से बन रही है, लेकिन लोगों को क्या मिल रहा है? क्या लोगों के जीवन स्तर बेहतर हो रहा है? ये लोगों का जीवन स्तर बेहतर नहीं करना चाहते हैं, केवल वोट की राजनीति करना चाहते हैं। सर, बजट ना खर्च करने को लेकर आपने जो सवाल पूछा था, सवाल ये पूछा है कि आखिरकार सरकार बजट क्यों, इतना जब बड़ा बजट ला रही है सरकार तो पैसा खर्च क्यों नहीं हो रहा है? हर विभाग के जो आंकड़े दिखाई देते हैं वो दिखाई देते हैं कि बजट खर्च नहीं हो रहा उन विभागों में। सर, कल क्या समाजवादी पार्टी के विधायक इटावा में? नहीं, अभी कहीं कोई विधायक नहीं जा रहा है। जब कभी कोई कार्यक्रम होगा तो आपको भी उसी हिसाब से स्वागत और निमंत्रण पहुंच जाएगा। जयंत चौधरी ने जिस तरह से बयान दे दिया है कि हम अभी इनकार नहीं कर सकते, तो क्या लगता है, क्या है वो बात? देखिए, आपसे बेहतर आप लोग समझते हैं इन बातों को, मुझसे बेहतर आप समझते हैं। सर, वेस्ट यूपी में कितनी डिफरेंट होने वाली? देखिए, समाजवादी लोग वहाँ पहले भी संगठन था, समाजवादी पार्टी के ही बोर्ड से चीजें बदली हैं। जब राज्यसभा भेजा गया तो समाजवादी पार्टी के ही 23 से ज्यादा विधायकों का समर्थन था। एक राज्यसभा में जाने के लिए 37 विधायक की जरूरत होती है, तो सोचिए कितने विधायकों ने भेजा उन्हें राज्यसभा। तो ये बातें अभी करने की नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी का संगठन है और समाजवादी पार्टी आने वाले समय में चुनाव लड़ेगी।